तो आज हम लोग पढ़ेंगे फाइटोलेकर डिकैंट्रा, एक होम्योपैथी की बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दवाई है। ट्यूमर और गांठ वगैरह ठीक करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए हर वर्ड को अच्छा से समझने की कोशिश करो और हमेशा ब्रेन के अंदर घुसा के याद रखने की कोशिश करो, नहीं तो पूरा आपका फेल हो जाएगा सारा होम्योपैथी। अमेरिकन नाइटशेड एंड कॉक रूट बोला जाता है, फैमिली लेगोमेसिस और फैटोलेक्स से बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया ब्राजील अफ्रीका, पार्ट यूज सीड्स यूज किया जाता है, फार्मासी क्लास 4 के अंदर बनता है। देखो सबसे बहुत बढ़िया की चीज है ऑक्यूपाई द पोजिशन ऑफ बिटवीन ब्राइनिया एंड रेस्टस, ब्राइनिया को एक तरफ रखो, रेस्टस को एक तरफ रखो, बीच में हो गया फाइटोलेकर। ब्राइनिया एंड रेस्टस क्योर्स व्हेन दिस फेल्स थ्रू अपेरेंटली वेल इंडिकेटेड, ब्राइनिया और रेस्टस जहां पर फेल हो जा रहा है आपको सोचना है फाइटोलेकर के बारे में, समझ में करेक्ट। पेशेंट ऑफ रूमेटिक डायसिस, रूमेटिज्म, फाइब्रोसिस एंड पेरिओस्टल टिश्यू, मर्कुरी और सिफिलिस, मर्कुरी और सिफिलिस के उपयोग से उत्पन्न रोग जो जोड़ में दर्द के लिए, वैसा ही पेशेंट आएगा आपके पास। इंटायर इंडिफरेंस टू लव लाइफ, श्योर शी विल डाई, जीवन के प्रति संपूर्ण उदासीन, दुखी प्राणी और वो हमेशा सोच रहे कि मैं मर जाऊंगी, दो वर्ड हमेशा रखना पेशेंट को आते समय, देखना कैसे क्या बोल रही है, एकदम निराशावादी। इमाशिएशन, क्लोरोसिस, लॉस ऑफ फैट, धीरे धीरे ये क्या होगा, क्षीण होते जा रही, पहले कुछ वजन ज्यादा था अब धीरे धीरे वो क्षीण होते जा रही है, रक्त की कमी, चर्बी घट गया है, देन यू थिंक थी फाइटोलेकर, इसी को मटेरियल ऑफ डोज यूज करके मोटापा कम करते हैं, लेकिन गलत है। फाइटोलेकर फिजिकल ग्रेट एग्जॉशन एंड प्रोफाइन प्रोस्टेशन, हमेशा दुख भरा हुआ, अत्यधिक टायर्डनेस, थका हुआ और बहुत उदासीन के साथ में हमेशा सोए रहेगी, पड़े रहेगी, ये रहेगी। इसमें देखो दो दर्द, पेन लाइंग ऑन इलेक्ट्रिक शॉक, शूटिंग सेंसिटिविटी, शिफ्टिंग वर्स फ्रॉम मोशन एंड लाइन, बिजली के झटके जैसे मातवश दर्द जो कि इधर से उधर दर्द भागते रहता है, स्पीड से चेंज होता है, अभी थोड़ा सा थोड़ा देर इधर आ जाएगा, चलने भीगने से रात को बढ़ता है, लेग कॉर्निया में भी और पल्स्टुला में भी इधर उधर दौड़ता रहता है दर्द। इन रूमेटिज्म एंड न्यूरोलॉजी आफ्टर डिप्थेरिया, गोनोरिया, मर्करी एंड सिफिलिस, रूमेटिज्म जो डिप्थेरिया, गोनोरिया एंड मर्करी यूज एंड सिफिलिस के बाद में अगर है तो दैट इज वर्टिगो, व्हेन राइजिंग फ्रॉम बेड फील्स फेंट, जैसे बेड से उठती है सिर चक्कर बहुत जोर देगा और दम से गिर जाएगी, ये ब्राइनिया में भी है, ठीक है। फाइटोलेकर पेशेंट इंटेंस हेडेक एंड बैकेज, सिर दर्द और कमर दर्द दोनों एक साथ रहेगा, सिर दर्द और कमर दर्द दोनों एक साथ रहेगा, सारे शरीर में चोट जैसा एहसास होगा, ब्रीज फीलिंग ऑल ओवर, कॉन्स्टेंट डिजायर फॉर मूव बट मोशन, एग्लोमेशन, पेन, हिलने डुलने से निरंतर इच्छा परंतु थोड़ा सा हिलने डुलने से दर्द बढ़ जाएगा, लेकोनियम, मर्क और गति से कम होना, रेस्टक्स से रिलीफ मिलेगा, लेकोनियम और ये मर्कुरी से बढ़ता है और फाइटोलेकर बढ़ेगा। माउथ, देखो ये बच्चा बहुत आपको मिलेगा केसेस जो इरिसेबल डिजायर टू बाइट द टीथ और गम्स टुगेदर ड्यूरिंग डेंटिशन, दांत निकलने के समय वो काटता फिरेगा दूसरे को, फाइटोलेकर है और दूसरा क्या है, पोडोफाइलम है, समझ में आया थी? तो बहुत पेशेंट आएंगे दांत काट रहा है, सबको काटता है,
बहुत घर में बच्चे मिलेंगे, दैट इज दी फाइटोलेटर। हम लोग क्या दे देते हैं, सीना दे देते हैं और पेरिटोकार्प देते हैं, अलग देते हैं, लेकिन वो गलत है। एक्चुअल फाइटोलेटर इज द मेडिसिन। फाइटोलेटर डिपेंडर सोर थ्रोट, ए डार्क रेड कलर, उबला लार्ज, ऊपर में उबला लार्ज, एकदम लार्ज दिखा, ड्रॉक्सिकल सूजन, ऑलमोस्ट ट्रांसप्लेंट, मतलब पूरा दिखता है, आपको दिखेगा दोनों टॉन्सिलाइटिस और ऊपर का उबला सूजन है। काली बैकग्राउंड में रस्ट्रक्स भी है, ये देख लो फाइटोलेटर का टॉन्सिल और उबला। डिप्थेरिक पेन शूट फ्रॉम द थ्रॉट इनटू ईयर फ्रॉम द स्वेलिंग, जैसे अंदर घिटेगा उसको दर्द बहुत जोर होगा, जलन होगा एकदम आग की तरह, लाल गर्म लोहे की तरह, ड्राइनेस, हाथों से कांपने वाला, मैंने घुसाने से पूरा बॉडी हिल जाएगा, टॉन्सिल और गर्म पानी या गर्म चीज पीने से उसको दर्द होगा। एस कलर का गला पूरा एस कलर जैसा हो जाएगा। दूसरा कैरेटॉइड एंड सबलेरी गैजरस इंडिकेटेड आफ्टर डिप्थेरिया स्कारलेट फीवर। कैरेटॉइड जो फेस है, पैरोटिड ग्लैंड और सबलेरी ग्लैंड में सूजन आ गया, यहाँ पर गांठ खुल जाएगा, यहाँ गांठ हो जाएगा ड्यूरिंग डिप्थेरिया में, गांठें यहाँ खुला हुआ है तो होता है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है जो हमेशा याद रहेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मामा फुल ऑफ हार्ड एंड पेनफुल एंड नोडस, छोटे छोटे गांठ बने रहेगा, छूने से एकदम हार्ड एंड पेनफुल रहेंगे, नोड नोड जैसे बने रहेंगे, गांठे गांठे मल्टीपल गांठ जैसे रहेंगे। ये देखो ये बहुत बढ़िया चीज, एक एक लाइन याद रखना, ये हर क्षेत्र में काम आएगा। देखो फीमेल ब्रेस्ट, ब्रेस्ट शोज एज अर्ली टेंडेंसी टू कैप इज फुल ऑफ स्टोरी, हार्ड एंड पेनफुल स्पेशली व्हेन सपरेशन इन विजिबल, व्हेन चाइल्ड नर्सेस प्लेन गोज अवे, गोज फ्रॉम द निपल ओवर बॉडी, गोज टू बैक एंड कोटालिस, ठीक, एंड टू यूटेरस एंड पस्टा। जो स्तन है, ब्रेस्ट है, डबल रोटी की तरह पफिनेस, डबल रोटी की तरह पावरटी के समान हो जाएगा और हमेशा मालूम पड़ेगा पस फॉर्मेशन होने जा रहा है। इसका दर्द अगर कमर में जाए तो क्रोटन टॉक है, अगर यूटेरस में जा रहा तो पस्टिला है, शालिशिया है। मामरी अब्सेस फिस्टुला ग्रैपिंग एंग्री अल्सर बस सीरियस सिचुरियस फैटीडियन अनहेल्दी, स्तन में फोड़ा फिस्टुला जैसा गैपिंग, मैंने बहुत बुरा अल्सर, क्रोधित, मैंने बहुत निकलने वाला जैसे होता है, पस फॉर्मेशन, खुजलीदार और दुर्गंध, ऑर्डर फैटिड ऑर्डर रहेगा, अनहेल्दी रहेगा। दूसरा टर्निफाइड ब्रेस्ट आइदर हील्स और सपुरेट्स इज ऑफ द पर्पल यू एंड हार्ड एज ओल्ड चीज, जैसे चीज होता है ना, अगर बासी चीज हो जाए तो क्या होगा, कड़ा हो जाएगा, पपिसनेस नहीं रहेगा। इसी तरह स्तन में सूजन न तो ठीक होता है, नहीं पस फॉर्मेशन होता है एंड वायलेट कलर का हो जाएगा और बासी पनीर की तरह कठोर हो जाता है। तो इसके लिए अपने पास तीन मेडिसिन है, बैरेटा, लैकेनियम एंड फैलेट्रिनम। अब तीनों के बारे में मैं बता रहा हूँ क्या है, ब्रायनिया, फाइटोलेका, लैकेनियम एंड फैलेट्रिनम को कैसे पहचानोगे, एकदम अच्छा ध्यान से पढ़ो। ग्रैनिया ब्रेस्ट आर हैवी स्टोनी एंड हार्डनेस, पेनफुल हॉट, मस्ट सपोर्ट देम विथ हैंड टू प्रिवेंट लिस्ट मोशन विथ यूनिफॉर्म रेडनेस ऑफ द स्किन। ग्रैनिया का स्तन भारी रहेगा, पथरीला पत्थर टाइप रहेगा, पेन रहेगा, अगर वो हिलता है गति को रोकने के लिए वो हाथ से पकड़ के रखेगा ब्रेस्ट को, और स्किन में रेडनेस रहेगा, ये ध्यान से देखो ग्रैनिया का ब्रेस्ट। अब आया लेग कोनियम का, जैसे पढ़े हो पहले, लेग कोनियम ब्रेस्ट इनफ्लाम पेनफुल टुवर्ड्स इवनिंग, मस्ट होल्ड डाउन गोइंग ऑन टू डाउनस्टोर, ऊपर सीढ़ी चढ़ते समय
अपने ब्रेस्ट को पकड़ के रखेगा एक हाथ से, दैट इज लेफ्ट कॉर्निया। सेकेंड इज फेलेटिनम एक्विस्टम, पेन इन द निपल इज टाइम चाइल्ड इज पुट टू ब्रेस्ट। जैसे बच्चा दूध पीने को करेगा ब्रेस्ट बहुत ज्यादा पेनफुल होगा, निपल में काफी दर्द होगा, जो दूध वाला जो लैक्टिफेरस ट्यूब है दाहिने स्तन का बहुत ज्यादा, राइट इज मोर पेनफुल देन द लेफ्ट। दूध पिलाने के समय दूध के नलियों में काफी दर्द रहेगा। ये तीनों में समझ गए। फोर, निपल सेंसिटिव एंड सोर, फिसर्ड निपल फटे फटे रहेंगे, इंसेंस बाय नर्सिंग पेन रेडियस ऑल ओवर बॉडी। ये निपल्स का पेन सारे बॉडी को तरफ में फैल जाएगा। हेस्टन सेपरेशन, ये औषधि पीप होने के कगार पर वो प्रक्रिया को जोर कर देता है। अगर घाव फूटने वाला रहेगा तो पस फॉर्मेशन ज्यादा हो जाएगा, जस्ट पकने के कगार पर रहता है, इसको हिपर इसको देने से वो फट जाता है। दूसरे मेडिसिन है हिपरलेप्सिस मार्क एंड साइलेंशिया, दीज आर सिमिलर एज ए फाइटोटिकल रिलेशन एग्रेवेशन व्हेन इट रेन्स एक्सपोजर टू डैम्प एंड कोल्ड वेदर रिलेशन कंपेयर काली आयोड इट्स एनालॉग। अब इसमें याद क्या रखना है ये देख लो, चार पांच पॉइंट है याद रखना है। ग्लैंड, ये ग्लैंडुलर रिमेडी है, ग्लैंड फूल ये है इसलिए ग्लैंडुलर रिमेडी है। ग्लैंड्स हार्ड लाइक ए स्टोन, मामरी ग्लैंड मेनली अफेक्टेड एनलार्ज विद सोर फीलिंग हार्ड एंड पेनफुल एंड नॉट नोटिसेबल। यहाँ पर कॉर्निया मैक को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। कैन नॉट ड्रिंक हॉट फूड इन ए सोर थ्रोट, सोर थ्रोट है लेकिन गर्म खाना नहीं ले सकता, गर्म ड्रिंक्स नहीं ले सकता। पेन फ्लाइंग लाइक इलेक्ट्रिक शॉक रैपिडली शिफ्टिंग शूटिंग लेंसियंटी एग्रेवेशन मोशन एंड नाइट डिस्चार्ज आर श्रेडली एंड स्ट्रिंगिंग। ठीक है, थैंक यू। We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join.